मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हंगरी सेना के जवान और विश्व के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर्स में से एक करोली टैकस की, जिन्होंने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया उन्हें इसलिए नहीं जानती क्योंकि उन्होंने दो दो बार गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि इसलिए जानती है क्योंकि उन्होंने अपने हाथ को खोने के बाद भी यह शानदार मुकाम अपने मेहनत और जुनून से हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, यूं पहेलियों में बात करने से अच्छा है कि मैं आपको करौली के इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू से बताता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सच्ची कहानी को जानने के बाद आपके अंदर से भी एक आवाज आएगी कि असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, बात है यही कुछ 1938 की। हंगरी की सेना में करौली नाम का जवान था जिसे पिस्टल शूटिंग के खेल में महारत हासिल थी, और महारत भी कुछ ऐसी कि वह लगभग सभी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में जीत हासिल कर चुका था। करौली के जीत के सिलसिले को देखते हुए हंगरी के सभी देशवासियों को पूरा विश्वास था कि 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में करौली गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा और देश का नाम रोशन करेगा। देशवासियों के साथ साथ करौली का भी यही सपना था कि 1940 के ओलंपिक में हंगरी के लिए वह गोल्ड मेडल जरूर लाएं, और इन्हीं ख्वाबों को सजाए वे अपने पूरे जुनून के साथ ओलंपिक की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आर्मी कैंप में आर्मी के साथ प्रैक्टिस के टाइम उनके दाहिने हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उनका हाथ उनके शरीर से अलग हो गया। दोस्तों, बदकिस्मती तो देखिए, हाथ भी वही जिससे उन्हें गोल्ड मेडल जीतना था। दोस्तों, पूरे देश में इस घटना को सुनकर शोक जैसा माहौल हो गया। सभी की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। लेकिन दोस्तों, एक आदमी ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो थे खुद करौली। हादसे के कुछ महीने बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने ठान लिया कि ओलंपिक तो मैं जीत कर रहूंगा। क्या हुआ, मेरा दाहिना हाथ, मेरा बेस्ट हैंड आज मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा बायां हाथ तो है जिसे मैं अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा, और यही मेरे देशवासियों के सपने को पूरा करेगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। और दोस्तों, कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुरुआत में प्रैक्टिस के समय बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी करौली ने हार नहीं मानी और अपने लगन, कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के दम पर अपने एकमात्र बाएं हाथ को बेस्ट हैंड बना लिया। और फिर ठीक एक साल बाद 1949 में ओलंपिक के पहले वह नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और तब तक किसी को भी नहीं पता था कि करौली अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरे कंपटीटर्स उन्हें वहां देखकर चौंक गए और उन्हें लगा कि वो वहां उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन सबको झटका तब लगा जब करौली ने कहा कि मैं यहां आपका हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, बल्कि आपसे कंपटीट करने के लिए आया हूं। उसके बाद अपने एकमात्र बाएं हाथ से शूटिंग करते हुए करौली ने सबको मात दे दी और वह मुकाबला अपने नाम कर लिया। और इसी जीत के साथ ही साथ हंगरी के देशवासियों में भी एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई और करौली रातों रात हीरो बन गए। दोस्तों, अब इंतजार था एक साल बाद होने वाले 1940 ओलंपिक का, लेकिन 1940 का ओलंपिक विश्व युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया, जिससे एक बार फिर से सभी को निराशा हाथ लगी। सबको लगने लगा कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन करौली हार मानने वालों में से नहीं थे। करौली ने अपने प्रैक्टिस को 1944 ओलंपिक के लिए जारी रखा, लेकिन एक बार फिर से विश्व युद्ध की वजह से ही वह ओलंपिक भी नहीं हो पाया।
अब करोली का उम्र भी उनका साथ देना छोड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिर आखिरकार 1948 के ओलंपिक में अपने से कहीं जवान और जोशीले कंपटीटर्स को हराकर अपना और अपने देश के सपने को पूरा किया और शूटिंग में हंगरी को गोल्ड मेडल दिलाया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। करोली ने 1952 के ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया और इतिहास को बदलते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, हारने वालों के पास कई हजार बहाने होते हैं, लेकिन जीतने वाले के पास बस एक वजह होनी चाहिए जो उसे जीत दिलवा सकती है। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके चाहने वाले भी करोली के प्रेरणादायक जीवन से सीख ले सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।